जय हिंद। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की। सेट 3 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सेट 2 को आज डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो हमारे एग्जाम्स में पेपर दिए जाते हैं, कुछ बच्चों को सेट 1 मिलता है, सेट 2 मिलता है, सेट 3 मिलता है, तो इन तीनों में क्या कुछ अंतर आता है क्या? किसी को पेपर टफ मिल गया, किसी को आसान मिल गया, तो ऐसा भी क्या होता है क्या? तो ये पेपर की जब एनालिसिस होगी तभी आप इन चीजों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमें पेपर जो मिलता है, ये जो सेट अलग अलग जो मिलते हैं, क्या ये पेपर को ये पेपर टफ और इजी भी होते हैं क्या? तो मैंने जहां तक एनालिसिस करी है उसमें ऐसा कोई चीज पाया नहीं है, लेकिन आप भी देखिए और पेपर की स्टडी करिए, और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको करना भी चाहिए। सारे सेट को एक बार सामने रखना चाहिए, देखना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, इन सेट में डिफरेंसेस क्या हैं, तो कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारे एनालिसिस होने जरूरी है, ये सेट 2 का पेपर है जिसमें ये पेपर में तीन सेक्शन होते हैं आपके, ये पता होगा आपको, जिसमें रीडिंग सेक्शन होता है आपका, रीडिंग सेक्शन, फिर उसके बाद से ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल होती है, लिटरेचर, ये सारी चीजें आपको चेक की जाती हैं। रीडिंग स्किल में दो पैसेज आपके होते हैं, एक होता है आपका डिस्कर्सिव पैसेज, और दूसरा होता है आपका केस बेस्ड पैसेज, ठीक है? तो ये दो पैसेज होते हैं और दोनों 10-10 मार्क्स के होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पैसेज है आपका, ये आपका डिस्कर्सिव पैसेज है जिसमें आपके पैराग्राफ देख सकते हैं कितने, ये थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि आपको अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और सिर्फ स्पीड नहीं है उसके साथ साथ आप समझें भी, ऐसा ना हो कि एक बार पढ़ें और दूसरी बार समझने में लगा दें तो फिर मुश्किल हो जाएगा इन सारे पैसेज को करना। और उसके साथ साथ टाइमिंग भी आपको चाहिए कि इतने बड़े पैसेज है तो हमें टाइम कितना देना है इन दोनों पैसेज के लिए, क्योंकि दोनों पैसेज मिलकर 20 मार्क्स होते हैं। ये देखिए, ये आपका केस बेस्ड पैसेज है, और केस बेस्ड पैसेज में कुछ डेटाज वगैरह दिए जाते हैं, तो उनकी भी एनालिसिस करनी होती है, तो बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं हो पाएंगी। हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर लें, कितने टाइम में सॉल्व हमें कर लेना चाहिए, इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा हमारा जो मोटिव है वो हमारा यही है कि हम ग्रामर सेक्शन में एडिटिंग वाले पोर्शन को किस तरीके से सॉल्व करें, एडिटिंग में किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए, ग्रामर का कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ लें कि एडिटिंग का चैप्टर आसान हो जाए, एडिटिंग का क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों के बीच में ये एडिटिंग का जो टॉपिक है काफी ये मुश्किलात पैदा करते हैं, यानी काफी टफ होते हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अगर एक बार ध्यान से इसको पढ़ लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये देखिए ग्रामर का टॉपिक हमारा आ गया, ठीक है? इसमें ग्रामर तो है ही, उसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी है। अभी देखेंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो हालांकि आपको पता भी होगा कि एक लेटर पूछ लिया जाता है, और दूसरा हमारा एक पैराग्राफ राइटिंग पूछ ली जाती है, तो 5-5 मार्क्स के होते हैं। ये सारे मार्किंग स्कीम आपको रटे होने चाहिए, और आपको ये चीज रटने का मतलब ये हुआ कि हर एक चीज जब पता होगा तभी तो आपको ये भी डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा सेक्शन कमजोर है, किस पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है, किस पे नहीं मेहनत करनी है, यानी किसको हमें सिर्फ एक बार देखना है, उस हिसाब से आपकी मेहनत बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था सेट 3 में। यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। ये जो दिया हुआ है ना, इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। देखिए सर, दिस इज इन रिलेशन टू द अर्लियर डिस्कशन वेर इट वॉज डिसाइडेड दैट द स्कूल वुड ऑर्गेनाइज समर कैंप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 एंड 7। देखिए, आपको ये पता होगा मॉडल के साथ साथ, मॉडल जब भी हम यूज करते हैं ना उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो आप ये सीधे या तो यही वर्ड उठा कर रख दीजिए, दिस इज इन रिलेशन टू द अर्लियर डिस्कशन वेर इट वॉज डिसाइडेड दैट द स्कूल वुड ऑर्गेनाइज अ समर कैंप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 एंड 7। 6 एंड 7 ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल क्या करेगी, समर कैंप ऑर्गेनाइज करेगी। अगर फ्यूचर के किसी एक्शन को हमें दिखाना होता है ना, तो वुड बी ऑर्गेनाइजिंग भी हम लिखते हैं, वुड बी ऑर्गेनाइजिंग, तो स्टूडेंट ने जो कुछ भी किया होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों सेंस सही दे रहा है। यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल। इसके प्रीवियस जो पेपर हमने डिस्कस किया था सेट 3, उसमें भी ऐसे ही था, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ब से क्वेश्चन आया, मॉडल्स, मॉडल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, मॉडल का एक चैप्टर है भी उसमें। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, द सैलड प्रिपेयर विथ फ्रेश एंड क्रिस्प इंग्रेडिएंट्स इज ट्रूली अ समर डिलाइट। यानी कि ये जिस चीज के बारे में बात हो रही है,
प्रिपेयर विथ फ्रेश एंड क्रिस्प इंग्रेडिएंट्स जो डाले गए हैं, जो बनाए गए हैं, ठीक है ना, जो सैलाड ये प्रिपेयर की गई है, तो प्रिपेयर जब हो चुकी है तभी तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, इज ट्रूली अ समर डिलाइट, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब जो चीजें प्रिपेयर हो गई तो उसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, प्रिपेयर्ड। द सैलड प्रिपेयर्ड विथ फ्रेश एंड क्रिस्प इंग्रेडियंट इज ट्रूली अ समर डिलाइट, ठीक है। तो प्रिपेयर नहीं यूज करें, इसको प्रिपेयर्ड कर दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर आप दिखाएंगे, यहाँ पे प्रिपेयर लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे तो गलती कहाँ पे है, वर्ब की ही गलती है, देख सकते हैं। प्रिपेयर्ड विथ मैरी एंड पीटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट मैरीज क्वेश्चन। ये मैरी का क्वेश्चन है, हाउ हैज दिस वॉलंटियर वर्क इंपैक्टेड योर लाइफ। इनके क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बदलना है। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हमें बदलते हैं तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से जब शुरू होता है ना तो कंजंक्शन यही आ जाता है। तो हम क्या करेंगे का मैरी आस्क पीटर, यहां पे लिख सकते हैं मैरी आस्क्ड पीटर पीटर। अब यहां पे दैट नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दूसरे में डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड को ही यहां पे हाउ। अब यहां पे हैज अगर लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होगा। इसकी पोजीशन को बदल दें, दिस वॉलंटियर वर्क को पहले लाए और ये टेंस को बाद में हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हाउ दिस वॉलंटियर वर्क को दैट वॉलंटियर वर्क में चेंज करेंगे। जो भी नजदीकी बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, दूरी बताने वाले वर्ड्स में चेंज होते हैं, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। हाउ दैट वॉलंटियर वर्क, दैट वॉलंटियर वर्क, टेंस चेंज करें, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, हैड इंपैक्टेड। अब यहां पे देखो योर लाइफ है, योर किसके लिए आ रहा है, पीटर के लिए, तो यहां पे क्या कर दें, हिज लाइफ, और यहां पे फुल स्टॉप लिखा, फुल स्टॉप लगा दें। तो चेंज हम जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो तीन चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस इतना ही चेंज करिए और कुछ ना करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। हमने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया, हैज इंपैक्टेड को हमने हैड इंपैक्टेड में चेंज कर दिया, आपने यहां पे देखा, ठीक है, यहां पे हैड इंपैक्टेड में चेंज कर दिया। दूसरी चीज, यहां पे दिस जो था ना, यहां पे दिस वॉलंटियर वर्क, हमने उसको दैट वॉलंटियर वर्क में, दिस को दैट में चेंज कर दिया, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको देख सकते हैं, भाई यहां पे जो दिस है ना वो दैट में चेंज हो गया, वॉलंटियर वर्क, ठीक। यहां पे देखिए पर्सन को हमने चेंज कर दिया ना, पर्सन योर था, हमने हिज में चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, और जो जहां था वही रखा। डायरेक्ट क्वेश्चन था इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या किया, वर्ब के पोजीशन को और हमने सब्जेक्ट के पोजीशन को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, बस इतना ही करना होता है। आगे चले, यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन जब भी आप पहले जाएं एग्जाम देने से पहले तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जरूर आप करके जाएं, इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, ठीक है, और कुछ हो ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ जाएगा आपका। आगे देखिए, रीड द डायलॉग बिटवीन करेन एंड मैट रीडिंग हिज चेस क्लब। देखिए ये इस तरीके क्वेश्चन खूब भर भर के पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम लोग ट्रेडिशनल क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहा है, दो लोग हैं डिस्कस कर रहे हैं, कौन है, करण और मैट है, व्हाट लेड यू टू ज्वाइन द चेस क्लब। यहाँ पे मैट का रिप्लाई क्या है, चेस इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज अ मेंटल बैटल विच आई एंजॉय, ठीक है। अब कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग, ये जो ऊपर के डायलॉग है ना उनको, मतलब उनको रिपोर्ट करना है, ओके। यहां पे देखिए करेन क्वेश्चन्ड मैट, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, अबाउट, अबाउट व्हाट, अबाउट, यस, व्हाट लेड यू टू ज्वाइन द चेस क्लब,
तो यहां पे क्या कर रहा है, व्हाट लेड टू ज्वाइन, नो व्हाट हैड लेड हिम होना चाहिए, व्हाट हैड लेड हिम टू ज्वाइन। देखो यहां पे लेड यू जो है ना, यहां पे ये मैट के लिए है, तो लेड ये पास्ट टेंस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड लेड यू किसके लिए आ रहा है, मैट के लिए, व्हाट लेड यहां पे हिम, ठीक है, टू ज्वाइन द चेस क्लब, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो यहां पे कोई ऑप्शन है नहीं एग्जैक्टली, व्हाट लेड हिम टू ज्वाइन है यहां पे, व्हाट हैड, यहां पे थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे इसको चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, यहां पे कोई ऑप्शन है नहीं एग्जैक्टली, तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर देंगे तो आंसर आपको नंबर दे दिया जाएगा, राइट। ऑप्शन जो देना चाहिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो, यहां पे हैड होना चाहिए था। खैर, तो यहां पे हो जाएगा मैट अबाउट व्हाट हैड लेड हिम टू ज्वाइन द चेस क्लब, यहां पे द चेस क्लब लास्ट में लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं मैट रिफ्लेक्टेड, अब मैट का रिप्लाई है, रिफ्लेक्टेड एंड कमेंटेड दैट चेस इज नॉट जस्ट अ गेम, तो उसको चेंज किया है, चेस वॉज मोर देन जस्ट अ गेम टू हिम एंड इट वॉज, फिर आगे कह रहे हैं इट इज अ मेंटल बैटल विच आई एंजॉय, इसको चेंज किया हुआ लिखा हुआ है, इट वॉज अ मेंटल बैटल विच ही एंजॉयड, एंजॉय को किसने चेंज किया, एंजॉयड में सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कर दिया, यहां पे बस इसको चेंज नहीं किया, जो ऑप्शन दिए हुए गलत दिए हुए हैं तो आप ऐसे चेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, इनक्लोज्ड आर द अपडेटेड प्रोजेक्ट गाइडलाइन एंड इनक्लोज्ड, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, इनक्लोज्ड आर द अपडेटेड प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एंड, गाइडलाइंस है उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस यूज नहीं होगा, तो गाइडलाइंस है तो यहां पे यूज हो जाएगा दीज, ठीक है। एंड दीज नीड टू बी शेयर्ड विथ द एंटायर प्रोजेक्ट टीम टू इंश्योर कंप्लायंस, नहीं, तो यहां पे एग्जैक्टली इनके लिए क्या आप यूज करेंगे, गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस के लिए प्रोनाउन क्या यूज हो जाएगा, दे नीड टू बी शेयर्ड, ओके, दिस नीड टू बी शेयर्ड, दिस भी दिया हुआ है, ओके और यहाँ पे दे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इट का जो प्रोनाउन होगा, यहाँ पे गाइडलाइंस के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे इट, और इट का जो प्लूरल होता है वो होता है दे, ही शी इट का प्लूरल होता है दे, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये यूज नहीं होंगे, यहाँ पे दे यूज करिए। दे नीड टू बी शेयर्ड विद द एंटायर प्रोजेक्ट टीम टू इंश्योर कंप्लायंस, ये तो दे किसके लिए आ रहा है, गाइडलाइंस के लिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, दे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर, देखिए यहाँ पे भी एरर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेस्टोरेंट्स प्रमोशनल मटेरियल, अब इस रेस्टोरेंट्स के प्रमोशनल मटेरियल पे क्या लिखा हुआ है, आर रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक इंडियन फूड्स सेलिब्रेटिंग द डायवर्सिटी ऑफ इंडियन कुजींस, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये जो नाउन है फूड्स, ठीक है ना, इंडियन फूड एग्जैक्टली होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे फूड्स लिखना सही नहीं है, आ रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक इंडियन फूड, ठीक है ना, तो इंडियन फूड यहाँ पे लिखेंगे फूड्स, यानी कि ये एरर है और सही जो होगा यहाँ पे फूड होगा, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस एडिटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, वर्ब पढ़ लीजिए अच्छे से, टेंस पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़िए, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद से वर्ब में इन्फिनिटिव जिरंड, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी इस एडिटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाईज द करेक्शन, माई पेट डॉग, अब माई पेट डॉग के लिए यहाँ पे लिख रहा है आर, आर गलत है, इज करो यहाँ पे, इज वेरी प्लेफुल, ठीक है, आर की जगह इज, ये वाला सही, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इस पैटर्न पे सेट थ्री में था, सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाई फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखो, पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन फॉर चैरिटी
हैड मी डैश हम्बल्ड बाय द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट इन ड्राइविंग मीनिंगफुल चेंजेस। अब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग, व्हाट पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन फॉर चैरिटी हैड मी डैश हम्बल्ड। ओके, तो हैड मी डैश हम्बल्ड, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है हैड मी। अब हैड मी क्या होगा यहाँ पर, फीलिंग वर्ड, फीलिंग हम्बल्ड बाय द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट इन ड्राइविंग मीनिंगफुल चेंज। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने फीलिंग यूज किया क्योंकि इसका रिजल्ट यहाँ पे फीलिंग हम्बल्ड। पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन फॉर चैरिटी हैड मी फीलिंग हम्बल्ड, ठीक है, बाय द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट इन ड्राइविंग मीनिंगफुल चेंज। यहाँ पे आप फेल्ट यूज नहीं करेंगे, हैविंग फेल्ट इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं कि एक्शन हो चुका है बाद में आप बता रहे हैं, इसकी वजह से आप हम्बल्ड फील कर रहे हैं, राइट। पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं, तो आपने ये किया तो इसका मतलब ये उसका कॉज है, कॉज और रिजल्ट, राइट। पार्टिसिपेटिंग यहां पे फीलिंग हम्बल्ड, उस वजह से आपने हम्बल्ड फील किया, तो यहां पे फीलिंग यहां पे यूज करेंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन है, वेंडर क्या कह रहा है, यू सीम क्वाइट रिफ्रेश्ड टूडे सर, कस्टमर रिप्लाइड, यस आई जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अ वेकेशन। द वेंडर नोटिसिंग अ चेंज इन हिज कस्टमर्स डिमेनर पॉइंटेड आउट दैट ही अपीयर्ड रिफ्रेश्ड, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, रिफ्रेश द कस्टमर कन्फर्म्ड दिस ऑब्जर्वेशन, कहा यस, यस का द कस्टमर कन्फर्म्ड दिस ऑब्जर्वेशन मेंशनिंग दैट ही, आई को ऑलरेडी चेंज कर चुका है, ही जस्ट रिटर्न, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अ वेकेशन, ठीक है ना, वेकेशन से लौटा है इसलिए बड़ा रिफ्रेश्ड, ठीक है, क्लियर है। ही जस्ट रिटर्न्ड को चेंज कर दिया किसमें, ही हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अ वेकेशन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ग्रेट न्यूज, आर स्कूल बास्केटबॉल टीम, सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेट थ्री में था, आर स्कूल बास्केटबॉल टीम डैश द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। अब यहां पे क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट का सेंटेंस यूज करो, क्लिंच्ड, यहां पे क्लिंचिंग यूज नहीं होगा, हैड क्लिंच्ड इसलिए नहीं होगा कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस जब कोई एक एक्शन पास्ट में दिखाना होता है तो हम यूज नहीं करते पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ये तो वैसे ही गलत होगा, तो यहाँ पे क्लिंच्ड हो जाएगा, या तो अगर हैज क्लिंच्ड होता तो ये भी सेंटेंस सही हो जाता, ठीक। आर स्कूल्स बास्केटबॉल टीम क्लिंच्ड या हैज क्लिंच्ड द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग, सेट थ्री में भी सेम क्वेश्चन था, बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे देखेंगे द ओशन वेव्स कैरी योर ड्रीम्स, इसमें बहुत ही आसान सी चीज है, यहाँ पे वर्ब को सारे लाइंस में फॉलो करो, द ओशन वेव्स कैरी योर ड्रीम्स, द सीगल्स एंड स्काई डैश योर प्रिजन्स, द क्लाउड्स स्केच योर पोर्ट्रेट एज यू सेल टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्स एक्सपेंस, एज यू सेल टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्स एक्सपेंस। आप देखेंगे जितने भी वर्ब है सारे के सारे प्लूरल वर्ब है, तो इसमें जो प्लूरल वर्ब होगा यहाँ पे ये नहीं होगा, विल सिग्नल्स नहीं होगा, पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, द क्लाउड्स सॉरी द सीगल्स एंड स्काई सिग्नल योर प्रेजेंस, राइट। बड़ा आसान सा होता है ये चीज, आप बस ध्यान से देखिए सारे के सारे लाइंस में वर्ब कैसा रखा हुआ है, जैसा वर्ब हो वैसा फिल कर दीजिए, क्योंकि ये सेम फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं, ये सॉन्ग्स वगैरह पोएम्स के जो भी स्टेंजास वगैरह देते हैं ये, तो सेम ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मैं सिंगुलर वर्ब दे दे दूसरे में प्लूरल दे दे, इस तरीके से जनरली नहीं होता, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट। देखिए क्वेश्चन का एंड हो रहा है किससे, एडिटिंग के क्वेश्चन से, एरर के क्वेश्चन से, द करेंट मार्केटिंग गोल इज फोकस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक एंड कन्वर्जन्स। इसमें भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, देखिए ये ट्रैफिक जो होता है ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन, इसको ट्रैफिक्स यूज करोगे प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द करेंट मार्केटिंग गोल इज फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस्ड है, ऑन वेबसाइट ट्रैफिक
एंड कन्वर्जन। यहां पे लिखेंगे आप ट्रैफिक्स नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, ट्रैफिक होना चाहिए, राइट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप यू फाइंड दिस लेसन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफ इज इट सो काइंडली शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ इट, राइट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।